तो गाइस देख सकते हैं, ये जो सांप आप देख रहे हैं ये भारत देश का सबसे विषैला सांप में से एक है। इसे हम लोग इंग्लिश में रसल वाइपर के नाम से जानते हैं और लोग इतना विषैला सांप होता है कि इसके काटने से इंसानों का मांस तक गल जाता है। भाई तो यार जगह बना देते हैं। जरूरी नहीं हर वक्त जुबा पर ईश्वर का नाम आए, वह लम्हा भी भक्ति का होता है जब एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आए। तो हे गाइस, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं प्रकाश यादव सम्राट यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी एक कॉल आया हुआ है और रात के अभी लगभग 9 बजने वाले हैं और रामाकुंडा ये अपने घर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर आया हुआ हूँ और इनके द्वारा कॉल किया गया था। क्या नाम हुआ आपका? लखीराम महतो। लखीराम महतो जी के द्वारा जो है संपर्क किया गया था। ये सांप को अभी कुछ देर पहले देखे और देखते ही जो है मुझसे संपर्क किए हैं और अभी आए हैं यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए। देखते हैं, रसल वाइपर है जो कि भारत का सबसे खतरनाक सांप में से एक है, जिसे अभी हम सावधानी पूर्वक निकालेंगे और उसे दूर जंगल में जाकर रिलीज करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहे। देख सकते हैं इधर इस ईंट के अंदर जो है सांप घुसा हुआ है। इस कॉर्नर पे दिखाई भी दे रहा होगा, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे एक मेंढक भी है अंदर घुसा हुआ और इसी के अंदर जो है सांप भी घुसा हुआ है। तो चलिए निकालते हैं सांप को, उसके बाद इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे, फिर जंगल में रिलीज करेंगे। ईंट जो है बहुत ज्यादा रखा हुआ है, ईंट निकलेगा कैसे? हटा दीजिए एक दो, सुनिए ना भैया, ऐसे ऐसे करके खमचा से निकालिए ना, ऐसे करके सब नहीं निकलेगा, बस और अंदर चला जाएगा। इधर से बैंगला हटा ना, बैंगला हटा सापा उड़ देखा लो सब्बल है, सब्बल सब्बल तो ऑपरेट लगी सब्बल निकाली ना, ऐसी मारी ना, निकल रहा निकल रहा था। देखिए देखिए वो आधा तो दिख रहा है, मेढक है, मेढकों के पास है, मेढकों के पास है, फ्रंट में तो मेढक ही है ना। मेढक को चिमटा से निकालिए ना, पहले चिमटा से मेढक को निकालिए, सुने ना, स्टिक से निकालिए, वैसे नहीं निकलेगा। नहीं वहां पे चिमटा पकड़ा है हाथ से, आइए नहीं उसने भाग गया, भाग साला कैसे भाग जीते यार, कहां गया, आइए ना, कितना इटा में कहीं घुस गया, वहीं है सपा। देखिए उधर क्लियर दिख रहा है, उधर नहीं ना गया है बस, इसी का थोड़ा सा एक दो तीन ईटा अंदर घुसा होगा, इतना कितना अंदर जाएगा तो नाश का ही करे, ऊपर से निकाल हाथ पास उठा रहे, हाथ पास उठा ठीक है, कहाँ सर जी, फोटो उठा दी सापा पकड़ा जी, सापा पकड़ा उधर से फिर भी साफ कर दीजिए, हटाइए दब तो जरा सा ना, तो नली उली उधर से जाइए, तो उधर से है क्या, वो नली है, उधर घर है, घर घर नली नहीं है, नहीं ये क्या, इसको तोड़ना पड़ेगा, सीमेंटेड है, जगह नहीं है उसे, वो तो फाट नहीं है, देखिए तो वो डाल के ऊपर कर ले, तो ऊपर सब लोग उठना रही ना रे, ऊपर उठो, उठो सर ले, सब उठो, फेंकने दे लीजिए, कर इधर से चिमटा काम करेगा, लाइट दिखाई जरा, इधर से चिमटा से काम करेगा, रुके रुके बेटा फेंकने दे, इधर आ जाए, इधर आ जाए, धीरे धीरे कुछ नहीं, हां ही देख सकते हैं अभी इसी के साथ जो है सांप दिखाई दे दिया है और एक कॉर्नर पे छिपा हुआ है, ईंट के नीचे बैठा हुआ है। चलिए इसे निकालते हैं और फिर इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। वक्त यूट्यूब में चल जाएगा, मोबाइल में देखेंगे दिख जाएगा, क्या नाम सुनाना पड़ेगा, प्रकाश यादव, उसको पहले साफ करने दे दीजिए, बरौनी दिखाएगा ना, और वो वाला चिंतवा है ऊंची वाला, तोरा कुछ रुक रुक रुक, ले ले लाइट दिखाएगा, ले ले उधर जाएगा भाई, मोबाइल लाइट पकड़ लीजिए, अच्छा दिखाइएगा बस, ठीक है मम्मी
घुस गया घुस गया। लाइट दिखाई आप लोग पीछे मत हटिए। हाँ 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 यहीं पर है। इसको एट आठ कीजिए। हाँ सर साइड कीजिए। घर वाला कीजिए साइड नीचे दिखाइए ना ऊपर नहीं। हाँ नीचे देखिए देखो पिछोड़ा दिख रहा है। आ गया प्रकाश आ गया तो गाइस देख सकते हैं ये जो सांप आप देख रहे हैं ये भारत देश का सबसे विषैला सांप में से एक है। इसे हम लोग इंग्लिश में रसल वाइपर के नाम से जानते हैं और लोकल लैंग्वेज में इसको चहर चंदा चंद्र बोड़ा और मराठी साइड इसे घोनस के नाम से जाना जाता है। गाइस ये भारत देश का इतना विषैला सांप होता है कि इसके काटने से इंसानों का मांस तक गल जाता है। इस सांप में हाईली हीमोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। इसके काटने के बाद इसका विष जो होता है वो इंसानों के सेल्स और टिश्यू को डैमेज करता है और हेमरेज की स्थिति ले आता है। दोस्तों यही वो सांप है जो जिसका विषदंत जो है वो बहुत बड़ा होता है और ये बहुत ही घातक हमला करता है और घातक हमला करने के बाद मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों कई बार इस सांप को लोग अजगर समझ के पकड़ने की गलती करते हैं और ये सांप काट लेता है और लोग अजगर समझ के इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि अजगर काटा है और अजगर में तो विष होता ही नहीं है, लेकिन ये सांप साक्षात काल होता है। बहुत ही विषैला सांप होता है। इसे कभी भी आप अजगर समझ के पकड़ने की गलती ना करें। देख सकते हैं इसका बॉडी पैटर्न कुछ इस प्रकार का होता है। ब्लैक ब्लैक धब्बा बना हुआ होता है और ये इसकी खास बात यह है कि जब भी आप इसके पास जाएंगे ये बहुत ही तेजी से हिसिंग साउंड निकालेगा और ये साउंड को सुनने के बावजूद अगर आप अलर्ट नहीं होते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा साबित होगा। इसे तुरंत यूं उसके मुंह को भी हम लोग हाथ से पकड़ सकते हैं, लेकिन बहादुरी दिखाने के चक्कर में ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब ये हमारे पास ऑप्शन है, टांग है हमारे पास कैचर है, हम इसे इसके माध्यम से पकड़ ही सकते हैं, तो फिर क्यों इसके हाथ लगाएं? जब ये हमारे पास नहीं रहेगा, इमरजेंसी केस में रहेगा, तो हम जो है इसको हाथ से पकड़ सकते हैं, अन्यथा इसे खेलना जो है मौत को दावत देने के बराबर है। तो चलिए इसे थैले में डाल दिए हैं। अभी आप देखिएगा इसे सुबह दूर जंगल में जाकर तुपचाची झील में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं अभी इस सांप को रेस्क्यू कर लिया गया है और यहाँ के सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहेंगे। वो लाइट बंद कीजिएगा जो इस तरह के सांपों को बचाने में योगदान दिए हैं। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो सांपों को हम लोग बचाते हैं, हम लोगों को वन विभाग की तरफ से या फिर कहीं से कोई सहायता नहीं मिलता है, तो आप लोग चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर जो है हम लोग बहुत दूर दूर तक रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं और ये हमारे लिए हर दिन कर पाना संभव नहीं है। एक आध दिन का रहे तो दोस्तों चलिए हम लोग कर लेंगे, लेकिन हम लोग एक दिन में लगभग 4 से 5 से लेकर 10 सांप तक जितना कॉल आता है उतना हम लोग अटेंड कर पाते हैं। बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है तो मैनेज कर पाना संभव नहीं है, तो आप लोग सपोर्ट करें। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि सांप को बचाने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है। चलिए बताइए। बढ़िया फील हो रहा है, बढ़िया फील। देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं हर वक्त जुबा पर ईश्वर का नाम आए, वह लम्हा भी भक्ति का होता है जब एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आए। तो आप लोग जहां कहीं भी ऐसे सांपों को देखें तो बचाए रखें, क्योंकि इस तरह के सांपों का रहना इस पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तरह से किसान जो होता है वो सांपों का मित्र होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक चूहा जो होता है वो हमारे किसान भाइयों का गेहूं को नष्ट करता है, और ये जो सांप है उस चूहों को खाकर इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, गेहूं को नष्ट होने से बचाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और हम लोग बहुत सारे ऐसे मेडिसिन यूज करते हैं जो कि सांप के विष से बना हुआ होता है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।